भोजपुरिया, तड़का, सभी को जमा। लेकिन हम क्या करें, अब भाई ऐसी ऐसी स्टोरी सामने आ रही है कि आपको बताने का तो फर्ज बनता ही है। भाई आपको बता दे कि जापान से आए हुए कुछ दर्शक थे जो कि लॉलीपॉप गाने पर खूब डांस कर रहे थे। और जापान ही नहीं, वैसे तो द कपिल शर्मा शो पर अमेरिका, लंदन और विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं ये शो देखने। लेकिन भाई यहाँ पर जो बातें हुई, आज और एक वीडियो बनाने का मन कर गया, सो हमने बना दिया। भाई द कपिल शर्मा शो में स्वागत पवन सिंह का जिस कदर हुआ आप सभी ने देखा होगा। फिर उनके गाने लॉलीपॉप की बात हुई और फिर बात हुई डायलॉग की। जी हाँ, जिस तरह की फिल्में भाई पवन सिंह करते हैं एक्शन पैक्ड, सीधे सीधे कपिल शर्मा ने उन्हें कहा कि आपको भोजपुरिया सलमान खान कहा जाए या अजय देवगन, लेकिन आप जिस तरह से फिल्में करते हैं, जिस तरह से एटीट्यूड में रहते हैं, उसे देखकर ये लगता है कि आपको अगर कोई खिताब देना चाहिए तो भोजपुरिया सनी देओल का देना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह से फिल्में भी करते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सनी देओल की तरह है। और फिर यहाँ पर गदर का एक डायलॉग भी भाई अपने पवन भैया ने सुना दिया। और अब आगे क्या हुआ तो भाई आगे और भी भोजपुरिया स्टार्स को बुलाया गया, जो कि आप सभी जानते हैं, निरहुआ, काजल राघवानी, निधि झा और आम्रपाली दुबे आई। फिर उसके बाद जो किस्सों का सिलसिला चालू हुआ वो बंद होने का नाम नहीं लिया। लेकिन यहाँ एक बात और है, यहाँ द कपिल शर्मा शो में पहली बार पवन सिंह ने ये कहा कि वो कपिल शर्मा के कितने बड़े फैन हैं। साथ ही साथ अर्चना पूरन सिंह के लिए उन्होंने कहा कि फिल्म बोल बच्चन में उन्हें, यानी कि पवन सिंह को, अर्चना पूरन सिंह की एक्टिंग बहुत पसंद आई थी, जिसके लिए पवन सिंह ने अर्चना पूरन सिंह को ये कहा कि वो उनके बहुत बड़े फैन हैं। फिर उसके बाद भाई यहाँ बात हुई पवन सिंह और निरहुआ की दोस्ती के लिए, तो यहाँ पर द कपिल शर्मा शो में ये भी कहा गया कि क्यों नहीं आप दोनों की दोस्ती को देखकर अगर भोजपुरिया में कोई डायरेक्टर कोई फिल्म बनाना चाहा तो वो कौन सी होगी। तो यहाँ पर बात हुई कि दोस्ताना बनेगी, तो भाई दोस्ताना का एक गाना था मादा लाडला बिगड़ गया, अगर उसे भोजपुरी में गाया जाएगा तो किस तरह गाया जाएगा। तो भाई अपने पवन भैया को तो आप जानते हैं कि कितना इंस्टेंट गाना बना लेते हैं, तब उन्होंने मादा लाडला बिगड़ गया का भोजपुरी वर्जन बनाया और जो सभी को बहुत पसंद आया। गौरतलब बात ये है कि पवन सिंह के सारे गाने तकरीबन जो कि बहुत फेमस है, चाहे वो छलकत बहमरी जवनिया हो, लॉलीपॉप हो और भगवान बड़ी फुर्सत से, ये सारे गाने बजे। और सबसे आश्चर्य की बात ये रही कि सभी गानों पे दर्शकों ने खूब झूम कर डांस किया, यानी कि संगीत की कोई बैरियर नहीं होती है, संगीत की सिर्फ एक ही जुबान होती है तो वो सुर, लय और ताल होती है। इस एपिसोड से ये बात समझ में आ गई, नहीं तो ये तो मान लीजिए कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग लॉलीपॉप पे डांस कर सकते हैं, भाई विदेशी भी इस गाने पर इतना थिरकते हैं, ये देखकर बड़ा ही सुकून मिलता है। क्योंकि भाई बॉलीवुड भले ही अपने आप को कितना भी बड़ा क्यों न बोले, लेकिन लॉलीपॉप गाने के आगे सब फिसड्डी ही साबित होते हैं। यहाँ पर तो आपने देखा होगा कि द कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा ने जब पवन सिंह की एंट्री पर ये कहा कि भाई इनके गाने हमारे शोज में कई दफ़ा बजे हैं, लेकिन आज ये पहली बार हमारे शो पे आ रहे हैं, तो इससे ये साफ पता चलता है कि कई दफ़ा वो पवन सिंह को बुलाना चाहते होंगे, लेकिन पवन सिंह हैं भाई, इन्हों जब लगा तब वो गए, मन के राजा हैं, इसके लिए आप कुछ कह नहीं सकते। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।